सबसे पहले तो जय गुरुदेव, जय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप अपना जीवन सफल जरूर करोगे और आप इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करोगे। शिकारी का उद्धार करना और हिरनी की रक्षा करना। एक समय की बात है, सतगुरु रविदास जी महाराज एकांत जंगल में बैठकर प्रभु का सिमरन कर रहे थे। जो स्थान बनारस में आज लहरतारा के नाम से जाना जाता है, गुरु जी के पास बहुत मन भाता और प्यारा दृश्य था। उस समय गुरु जी के पास से एक हिरनी भागती हुई गुजरी जिसके पीछे शिकारी लगा हुआ था। वह हिरनी को मारने के लिए तैयार था। शिकारी ने हिरनी को अपने नियंत्रण में कर लिया था। हिरनी ने सोचा कि अब उसका जीवन मुश्किल में पड़ गया है और शिकारी उसे मार डालेगा। उसने सोचा कि अब वह अपने बच्चों को नहीं मिल सकती, दूध पिलाना तो बहुत दूर की बात है। हिरनी अपने मन में ऐसा सोचकर दुखी हो रही थी और अपने बच्चों को याद कर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह देखकर शिकारी ने हिरनी से पूछा कि तेरी आंखें में आंसू आने का क्या कारण है। हिरनी ने कहा कि मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, इसलिए मेरी यह दशा है। शिकारी को हिरनी ने कहा, है शिकारी, तू मुझे 2 घड़ी के लिए छोड़ दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर तेरे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उत्तर दिया कि यदि कोई तुम्हारा जमानत देगा तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। पास ही सतगुरु रविदास जी थे, उन्होंने शिकारी को कहा कि मैं इसकी जमानत देता हूँ और तेरे पास तब तक रहूँगा जब तक हिरनी वापस नहीं आ जाती। शिकारी ने 2 घड़ी के लिए हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी तेजी से भागती हुई अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चों ने जब देखा कि उनकी माता आ गई है तो वह अपने माता से लिपट गए। जब वह दूध पीने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी माता उदास है। बच्चों ने माता को दुखी देखकर पूछा कि माता जी, आपका उदासी का क्या कारण है। तो हिरनी ने सारी बात सुनाई। बच्चों ने कहा, माता जी, अब हम दूध नहीं पिएंगे बल्कि आपके साथ जाएंगे। आपसे पहले हम अपनी जान देंगे, हमारे बाद ही आपकी बारी आएगी। हिरनी कुछ देर बाद अपने बच्चों के साथ जहां शिकारी और गुरुजी बैठे थे हम दो वहां पहुंच गई। हिरनी ने शिकारी को कहा कि अब इन संतों को छोड़ दो, हम 2 घड़ी से पहले ही आपके पास पहुंच गए हैं। जब शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए कटार का वार किया तो शिकारी का कटार वाला हाथ ऊपर ही रह गया, वह जड़ पत्थर के समान हो गया। उसको अपनी आंखों के सामने मृत्यु नाचती हुई दिखाई देने लगी। जब उसको ऐसा आभास हुआ तो वह मन ही मन में पश्चाताप करने लगा और बार बार गुरु जी के आगे नमस्कार करने लगा। उसने गुरु जी से क्षमा मांगी। गुरु जी ने भविष्य में उसको ऐसा करने से मना कर दिया और सत्य का उपदेश दिया। इस प्रकार सतगुरु रविदास जी ने शिकारी का उद्धार किया और हिरनी की जान बचाई। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।